हेलो मेरे प्यार बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम देखने वाले हैं नरेशन, सेंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सेंटेक्स। इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और आपको बता दें बच्चों, इन सबसे आपके मिलाकर के 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी हर एक टॉपिक्स से में हर एक टॉपिक में दो दो क्वेश्चन होंगे बच्चों, और सब में एक एक करना है, और इस तरह से रसगुल्लों आपके 8 नंबर। वो इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन भले करना होगा, 2 नंबर का ये होगा, 2 नंबर का ये, 2 नंबर के ये और ये 2 नंबर का। इस तरह से बच्चों 8 नंबर इन्हीं 4 टॉपिक्स के मदद से आपको मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल से टॉपिक है, तो चलिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से इन सारे टॉपिक्स का पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले नरेशन। पहला क्वेश्चन है रसगुल्लों, कह रहा है कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ठीक है ना, यानी ईमानदारी एक अच्छी नीति है। भाई ईमानदारी दिखाना एक अच्छी बात है, ये हर एक व्यक्ति को पता है, बाकी हो वो या ना हो ईमानदार, है ना। तो यहां से एक चीज देखिए, मिल क्या रहा है बच्चों, सार्वभौमिक सत्य। ये बात सच है, जब भी कोई सत्य हो या कहावत हो बच्चों, मुहावरा हो, ठीक है ना, ऐसी बातों में जो भी चीज होता है, जो यानी सत्य होते हैं, सार्वभौमिक सत्य है, मुहावरा है, कहावत है, ऐसी बातों में एक चीज का ध्यान देना बच्चों, सिड या सिड टू को अपन टोल्ड में बदलते हैं। सिड रहेगा तो सिड ही रहेगा, जैसे सिड टू है तो टोल्ड, और बाकी इधर दैट लगाकर इधर नो चेंजिंग, इतना ध्यान देना। रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव, यानी ये जो आपके कोमा के अंदर है इनमें कोई बदलाव नहीं होता, रिपोर्टिंग वर्ब में ही यहां पर थोड़ा चेंजिंग होता है। कैसे करेंगे, चलिए लिखेंगे क्या बच्चों, ध्यान से समझना। द टीचर अब सिड है तो सिड रख दीजिए, डोंट वरी। सिड टू होता टोल्ड लिख देते, बाकी वैसे छाप दो। संयोजक हमेशा होगा बच्चों दैट, अब उसके बाद कुछ मत करिए, बिना सोचे समझे छाप दीजिए, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी, अब कुछ रसगुल्ले यहां से कमेंट करना शुरू कर देंगे कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि सार्वभौमिक सत्य है। भाई अगर कहा जाए 2 and 2 makes 4, कि 2 2 4 होते हैं, तो बात सच है ना। अगर ये कहा जाए कि भाई क्या, अगर कहा जाए पीटी जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये बात सच है बच्चों। अगर जैसे कहा जाए द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है पूरब में निकलता है, बात सच है। तो ऐसे सेंटेंस में इधर यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं, और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करना है हमने बता दिया, सिड टू है तो टोल्ड लिख दीजिए, बाकी सिड अकेले है तो सिड करना है, कंजक्शन दैट लगाइए, बाकी का छाप दीजिए। इतना समझ में आ गया, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। दूसरा कह रहा है बच्चों की ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्त से कहा गुड मॉर्निंग। अब इसमें ध्यान से समझना, कोई भी विश हो, जैसे हैप्पी बर्थडे वगैरह आ जाए बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब विशेस की बात हो दिन क्या करते हैं हम, यहां पर इसको बच्चों विश्ड बदल देंगे, तो ही यहां पर सिड या सिड टू को अपन क्या करेंगे विश्ड। ही विश्ड हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड हो जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि यहां पर सिड या सिड टू तो ये हो गया विश्ड में, लेकिन बच्चों इसमें कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी दैट वगैरह टू वगैरह कुछ भी नहीं लगता है, तो कंजक्शन कुछ नहीं, उसके बाद डायरेक्टली जो कुछ है छाप दीजिए, गुड मॉर्निंग। समझ में आ गया ना कि विश्ड वाले जो भी विशेष वाली बातें होती हैं, सिड या सिड टू को अपन विश्ड में बदल देंगे, बाकी रिपोर्टेड स्पीच में जो कोमा के अंदर होता है, डबल डबल कोमा के अंदर, नो चेंजिंग, ठीक है ना। चलिए आगे है बच्चों, जैसे कह रहा है कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, कि डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि डू नॉट स्मोक सिगरेट, कि धूम्रपान मत करो, कि भाई धूम्रपान मत करो, तो ये क्या कर रहा है, तो भाई यहां पर डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि बबुआ तुम सिगरेट पियोगे तो फेफड़वा खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि सिगरेट का सेवन मत करो, यानी सिगरेट मतलब धूम्रपान मत करो, ठीक, कि सिगरेट मत
पियो। तो ऐसी सिचुएशन में रसगुल्लों क्या दिया जा रहा है, सलाह सिड या सिड टू को, देखिए भाव के अनुसार ही बदलना है, यही तो मेन चीज होता है। तो लिखेंगे क्या, द डॉक्टर सिड या सिड टू को अपन एडवाइज्ड में बदलेंगे, एडवाइज्ड, ठीक है ना। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, उसके बाद यहां पर डू नॉट है तो यहां पर नॉट टू लगाते, इतना ध्यान देना, नॉट टू, अब उसके बाद जो है छाप दीजिए, नॉट टू स्मोक सिगरेट्स, ठीक, सिगरेट्स, इतना हो गया। इस तरह से बच्चों क्या हो जाता है, देखिए, और डू नॉट को एक और तरीके से बनाया जाता है, फॉरबेड से, इसको क्या सिड या सिड टू को फॉरबेड बदल देते हैं, यहां पर फिर कुछ नहीं लगाते हैं, केवल टू लग जाता है, ऐसे कि डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट यहां पर टू स्मोक सिगरेट, फॉरबेड का मतलब मना करना, फॉरबेड जब लगाते हैं तो यहां नॉट वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं, क्यों, क्योंकि फॉरबेड अपने आप में खुद एक निगेटिव है। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अगला है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि प्लीज गिव मी सम पेंस, कृपया मुझे कुछ कलम दीजिए। तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे ही, अब इसको तो हम कई बार प्लीज वाला बता चुके हैं, सेड या सेड टू को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, सेड या सेड टू को हम बदलेंगे रिक्वेस्टेड, यानी हम विनती कर रहे हैं कि कृपया मुझे क्या है कुछ कलम दो, ठीक है ना, कृपया मुझे कुछ कलम दीजिए। तो ही यहां पर रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड सिड या सिड टू को अपन क्या लगाएंगे, हाँ, इसको सिड या सिड टू को रिक्वेस्टेड बदल दिया, मी है छाप दीजिए, ठीक है ना। फिर क्या लगाते हैं, टू, कंजक्शन टू लगता है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू, यहां पर देखिए प्लीज, फिर ये नहीं छापते हैं, फिर टू गिव, गिव, अब मी कहां जाएगा बबुआ, तो मी किसके अनुसार बदलेगा, मी हमने बताया यू अकेले होता है तो ये कर्म के पास आता है, बाकी सब यहां जाते हैं, भाई आई का दूसरा रूप मी है तो ये ही क्या है, लड़का ही का दूसरा रूप हिम है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम हो जाएगा बच्चों। अब यहां पर सम पेंस है तो यहां पर सम पेंस, ठीक है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा भाई, कलम है तो कॉपी थोड़ी ना हो जाएगा, किताब थोड़ी ना हो जाएगी, ये चीज समझ में आ गया बच्चों। चलिए अगला है कि मोहन सेड टू मी, कि मोहन ने मुझसे कहा व्हाई आर यू अब्यूजिंग दिस पर्सन, कि तुम इस व्यक्ति को गाली क्यों दे रहे हो, मोहन ने मुझसे कहा, ये मोहन मुझसे कह रहा है कि तुम इस आदमी को गाली क्यों दे रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो या डब्ल्यू एच वाले शब्द हो बच्चों, ऐसी सिचुएशन को में अपन क्या करेंगे, सिड या सिड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम क्या कर देंगे, मोहन सिड या सिड टू को आस्क्ड, मोहन आस्क्ड मी, ठीक है ना। अब देखिए संयोजक टू दैट कुछ नहीं, जो निगेटिव होते हैं उसी को अपन संयोजक बना लेते हैं, यानी ये सॉरी निगेटिव कह रहे हैं, जो डब्ल्यू एच वाले शब्द होते हैं उसी को संयोजक। अगर यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो तब इफ या वेदर लगाते हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, केवल यहां संयोजक के रूप में वाई, अब यहां पर करता यू कहां आएगा, हमने बताया ना यू वगैरह, यू यो यू योर कुछ हो तो यहां पर आएगा। अब भाई ये क्या है, यू कर्ता के फॉर्म में है यहां पर, तो यहां पर भी भाई आई का दूसरा रूप में है ना, तो यहां पर हम कर्ता के रूप में लिखेंगे, यानी आई लिखेंगे। अब इज एम आर बराबर वाज वेयर, तो इफ मतलब वाई आई वाज एब्यूजिंग दिस बराबर दैट होता है बच्चों, दैट क्या हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा, ठीक है ना, दैट पर्सन। इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये जो टाइप के आपके नरेशन है बच्चों उनको बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब बच्चों हमने बताया कुछ भी पूछा जाए घबराना नहीं है बबुआ, कोई भी हो तरीका सेम रहेगा, यहां पर क्या है सेंटेंस बदलेगा, बाकी शुरुआत जैसे हो रही है ऐसे ही आएंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों आपके सेंथिसिस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको बता दें रसगुल्लों सेंथिसिस में भी आपको दो क्वेश्चन होंगे, ओनली वन आपको करना होगा, तो इस तरह से दो नंबर मिलेंगे। और इसमें बात करें तो सिंपल या फिर कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, सब में आपको हम बताएंगे कि
किसमें क्या लगता है, अभी आपको हम ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे, एक समझिए बेसिक सी ट्रिक हो जाएगी वो, ठीक है ना, पहचानने के लिए। देखिए बच्चों, एक है ये आपको सिंपल में कन्वर्ट करना है कि राम हियर्ड द न्यूज, कि राम ने न्यूज सुना और ही जंप्ड विथ जॉय, वह खुशी से उछल पड़ा। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, जब भी सिंपल वाली बात की जाए, ठीक है ना, तो आपको एक सेंटेंस में बनाना है, वैसे सारे में क्या है डबल ही सेंटेंस है और एक बनाना होता है, एक सेंटेंस में पूरा कंप्लीट करना है। तो कह रहा है कि राम ने न्यूज सुना और वह खुशी से उछल पड़ा। तो इसका मतलब देखिए, अब काम और समय के बीच में बच्चों, ठीक ना, मतलब काम जो एक पहले काम और दूसरे काम के बीच में जब समय ना के बराबर हो, ऐसी सिचुएशन में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। कब? जब दोनों काम के बीच में जो एक्टिविटीज हो, क्रियाकलाप, उसमें समय ना लगे। कि भाई राम ने क्या है खबर सुना, खबर सुनी और वो खुशी से उछल पड़ा। अब इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि राम ने खबर सुना, खाना खाया, बढ़िया से आराम किया और राम फिर क्या है खुशी से झूमने लगा। तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं भाई, उसने तुरंत, जैसे आप क्या रास्ते में जा रहे हो, सांप देखोगे डर लगेगा, तुरंत डर जाओगे। अब ऐसा नहीं घर गए, खाना खाए, एक नींद सो लिया, उसके बाद डर गए, अरे मैया रे हम तो सांप देख लिए थे आज, ऐसा होगा नहीं, तुरंत वो चीज होगा। तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये पार्टिसिपल में बनता है। तो क्या करेंगे इसको हम, हियरिंग द न्यूज, ऐसे करेंगे बच्चों, हियरिंग द न्यूज, ठीक है ना, फिर उसके बाद करता कौन है राम, हियरिंग द न्यूज राम, अब इसको ये जरूरत ही नहीं है, राम जंप्ड विथ जॉय, विथ जॉय की खबर सुनकर के राम खुशी से उछल पड़ा, ये सेंटेंस बन गया है। जब काम दो काम के बीच में समय कुछ लगे तो वहां पर हैविंग लगाते हैं, जैसे हमने कल एक बताया था एग्जांपल में, जैसे क्या है वर्कर ने काम शुरू किया फिर वो घर गए, तो भाई वहां पर एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम हो रहा है, ऐसी अवस्था में हैविंग लगाते हैं, ठीक ना, हैविंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है, लेकिन दोनों काम के बीच समय ना लगे, जो भी क्रियाकलाप हो जल्दी हो जाए, तुरंत वहां पर हम क्या करते हैं आईएनजी लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या है कि भाई कोई महिला है अपने पति की एक्सीडेंट की खबर सुनकर के वो तुरंत बेहोश हो गई, तो वैसा नहीं है कि एक्सीडेंट की खबर सुनी उसके बाद 5-10 मिनट 15-20 मिनट एक घंटे बाद बेहोश, नहीं, वो क्रियाकलाप तुरंत हो जाता है, इतना ध्यान देना। अब देखिए कह रहा है अगला है, डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, द पेशेंट हैड डाइड, मतलब मरीज मर चुका था। अब यहां पर देखिए इसको कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स में बदलिए, तो क्या, अब ये यहां पर बताइए बच्चों कि डॉक्टर पहले आया कि रोगी पहले मरा। कह रहा है कि डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, यानी डॉक्टर साहब आए, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। तो इसका मतलब भाई पहले ही मरीज मर चुका था। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आप इसको हम इस वाले को उठाते हैं, ऐसी सिचुएशन में लिखेंगे बच्चों द पेशेंट, ठीक है ना, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड बिफोर, ऐसी सिचुएशन में लगाएंगे हम बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ द डॉक्टर केम, ठीक है ना, यानी डॉक्टर साहब के आने से पहले ही क्या है कि रोगी मर चुका था। कॉम्प्लेक्स की देखिए पहचान ही यही होती है बच्चों की, इसमें ज्यादातर ये बिफोर वगैरह लगता है, एज सून एज लगता है, ठीक है ना, अब उसके बाद आल्दो वगैरह, इनमें ज्यादा चलता है। और जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड में सबसे ज्यादा एंड, आर, येट, स्टिल, ये लगते हैं किसमें, कंपाउंड में। ध्यान से समझना इस बात को, ये बहुत ही बेसिक जरूरी बातें हैं बच्चों, इसलिए इनको अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या, ही वर्कड हार्ड, ठीक ना, ही फेल्ड इन एग्जाम, तो यहां पर क्या है वही बात आई ना, कह रहा है कि ही वर्कड हार्ड, कि उसने कठिन परिश्रम किया और ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन, वो परीक्षा में फेल हो गया। इसका मतलब क्या है कि यद्यपि उसने कठिन परिश्रम तो किया फिर भी वह परीक्षा में फेल हो गया। तो यहां पर क्या है, इसको बनाएंगे अपन बच्चों किससे, आल्दो से, आल्दो, आल्दो यहां पर लिखेंगे ही वर्कड, आल्दो ही वर्कड हार्ड, ठीक है ना, वर्कड हार्ड, उसके बाद लगाएंगे बच्चों येट ही फेल्ड, येट ही
फेल्ड इन एग्जामिनेशन, इन एग्जामिनेशन, कि उसने यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। तो इस बात का ध्यान देना। कॉम्प्लेक्स में बच्चों हमने क्या बताया, एज सून एज हो गया, ऑल्दो हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद ये आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, ये सब लगता है कॉम्प्लेक्स में। कंपाउंड में क्या लगता है बीच में जोड़ने के लिए, एंड और हो गया, स्टिल हो गया, ठीक है ना, येट हो गया, इन सब का ध्यान देना। जैसे है अब कंपाउंड में चेंज करना है, कह रहा है कि द सन रोज, सूरज निकला, द फॉग डिस्प्रेस्ड, कि कोहरा कोहरा गायब हो गया, कि सूरज निकला और कोहरा गायब हो गया। तो इसका मतलब क्या है, क्या बनाएंगे इसको, एकदम सिंपल है बच्चों। द सन रोज, कि सूरज मतलब सूर्य निकला या सूरज निकला, अब इस एंड लगा के छाप दो पूरा, एंड द फॉग, द फॉग क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्रेस्ड, ठीक है ना। डिस्प्रेस्ड का मतलब गायब होना, कि कोहरा गायब हो गया। ये पहचानना बहुत जरूरी है बच्चों। हमने बताया कि इसमें क्या लगाते हैं, चलिए लिख लेते हैं, आर हो गया, ठीक है ना, स्टिल हो गया बच्चों, उसके बाद एंड हो गया, ठीक है ना, येट हो गया, इन सब का इस्तेमाल करते हैं किसमें, हम करते हैं कंपाउंड जब बदलते हैं कंपाउंड में, ठीक। जैसे कहा जाए कि भाई क्या है, अंधेरा, जैसे अंधेरा हुआ और कमरा अंधेरे से, मतलब जैसे रात हुई और कमरा अंधेरे से भर गया, तो वही चीज करना, उन दोनों को जोड़ने के लिए एंड। जैसे मैं, जैसे क्या हुआ कि भाई मैं वहां आगरा गया और ताज, मतलब वहां ताजमहल देखा, ऐसे कि भाई आई वेंट टू आगरा और आई सा ताजमहल, तो दोनों को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। कंपाउंड में क्या करना है समझ गए। चलिए अगला है बच्चों की, ही इज वीक, ही कैन नॉट रन। देखिए इसको हमने लिखा है इसलिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कैन नॉट वगैरह वाला पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या है, जो टू वाला एडजस्ट करते हैं वही चीज है, सिंपल में बदलना है कि ही इज वीक, वो क्या है, कमजोर है। ही कैन नॉट रन, कि वो भाग नहीं सकता है, तो इसमें टू से बनाते हैं बच्चों। तो ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू रन, बस हो गया, ठीक है ना। जब भी ऐसे आए, जैसे कहा जाए कि ही इज सो फैट, या ही इज मतलब सो फैट ही कैन नॉट रन प्रॉपरली, तो वही चीज करेंगे, ही इज टू फैट टू रन प्रॉपरली, बस, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से बच्चों साइंथेसिस के आपके क्वेश्चन होंगे, भाई दो ही होंगे, एक करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आएंगे इसी में से, ठीक है ना। यही टाइप के क्वेश्चन होंगे बच्चों, भले आपको इधर उधर बदल दे, माइनर मतलब पूरा जो मैटर होगा सेम होगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन, कि ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरह के क्वेश्चन होंगे। इसमें भी दो क्वेश्चन होंगे बच्चों, और दो में केवल एक करना है बबुआ, और दो नंबर मिल गए। देखिए इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, देखिए तीन तरह से, एक तो या तो अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, भाई ये कहेगा, या तो बच्चों कहा जाता है इसमें ज्यादातर डिग्री वगैरह में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, जैसे पॉजिटिव डिग्री बनाइए, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, या फिर वॉइस, ठीक है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो इस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे। तो जैसे बच्चों अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा आपका जो वॉइस ही पूछा जाता है, यानी क्या है कि दिया रहेगा पैसिव वॉइस बनाना है। क्वेश्चन है जैसे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, भाई साहब देखिए इसी तरह के, जैसे यू कैन डू इट, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है ना, और उसके बाद जैसे स्विच ऑफ द फैन, ओपन द डोर, ठीक है ना, तो शट द विंडो, इसी तरह के बच्चों क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसको कैसे करना, हमें कर्ता ध्यान देना है, सॉरी कर्म ध्यान देना है, इसको कर्ता अपन बनाएंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कैन बी, कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कुछ भी हो, तो कैन बी सॉल्व्ड बाई यू हो जाएगा, है ना, आसान। इस तरह से करना होता है जब आपके इस तरह से, लेकिन जब कोई चीज, जैसे कहा जाए किसी चीज के लिए ऑर्डर दिया जाए, जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कि एक ग्लास पानी लाओ, जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, ठीक है ना, स्विच ऑफ द फैन, तो ऐसी सिचुएशन में रसगुल्लों यू आर ऑर्डर्ड टू लगाते हैं स्टार्ट में, कुछ नहीं करना। देखिए क्या, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड टू लगाने के बाद कुछ मत करिए बच्चों, पूरा छाप दीजिए टू, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द
फैन। समझ में आ गया ना, कर लेंगे एग्जाम में, अगर आएगा तो पोस्टमार्टम कर दीजिएगा बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन जब भी ऐसे आए कि ओपन द डोर, शट द विंडो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, स्विच ऑफ द फैन, ऐसे कोई क्वेश्चन बने तो यू आर ऑर्डर लगाइए, बाकी पूरा छाप दीजिए, ठीक है ना। बाकी अगर कर्ता कर्म है तो भाई उनको क्या करना है, कर्म को अपन कर्ता बनाएंगे, कर्ता को कर्म बनाएंगे, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि एवरी रोज हैज अ थ्रोन, तो यहां से देखिए कह रहा है कि भाई हर एक गुलाब में कांटे होते हैं। बिल्कुल जनाब, गुलाब में तो कांटा होता ही है बच्चों, आपको भी पता है। तो एवरी रोज हैज अ थ्रोन मतलब प्रत्येक गुलाब में कांटे होते हैं, कह रहा है इसको निगेटिव फॉर्म में बदलो, तो क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों कि नो रोज इज विदाउट ए थ्रोन। इसका अर्थ समझिए कि नो रोज इज विदाउट ए थ्रोन, कि कोई भी गुलाब बिना कांटे का नहीं होता है, मतलब निगेटिव बन गया ना। देखिए इनका ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है बच्चों, आपके सेंस नहीं, मतलब उनके जो भी सेंस हो, जो कुछ भी अर्थ हो, वो बदलने नहीं चाहिए, अर्थ वही होना चाहिए, ठीक है ना। कि जैसे यहां पे कह रहा है कि भाई प्रत्येक गुलाब यानी हर एक गुलाब में कांटे होता है, मतलब कांटे होते हैं, तो यहां पर कह रहा है कि नो रोज इज विदाउट ए थ्रोन, कि कोई भी गुलाब बिना कांटे का नहीं होता है। बात तो एक ही पड़ी ना, कि भाई हर एक गुलाब में कांटे होते हैं, या कहो बिना कांटे के कोई गुलाब नहीं होता, बात तो एक हो गई। तो इस तरह से ये निगेटिव, इसमें तो थोड़ा माइंड आपको लगाना पड़ता है, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है ना। बाकी देखिए हमने कठिन से कठिन रखा है बच्चों, बहुत सरल कभी कभार आ जाते हैं, तो उसके लिए घबराना मत। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। कह रहा है नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू, कि कह रहा है कि क्लास में अन्य कोई लड़की इतनी खूबसूरत नहीं है कि जितना कि रेनू, ठीक है ना। रेनू क्या है कि वो क्लास में सबसे ज्यादा खूबसूरत। अब कह रहा है कि इसको सुपरलेटिव बनाइए, ठीक है ना। देखिए सेंस नहीं बदलना चाहिए, सेंस नहीं बदलना, तो हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव में क्या होता है आपको पता है, आपको पता है बच्चों, ठीक है ना, कि लिखेंगे हम रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। इसका अर्थ बताइएगा, इसका अर्थ क्या होगा बच्चों। कह रहा है कि रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, कि रेनू क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की है। अब देखिए इसका भी अर्थ सेम वही है जो ऊपर वाले का है, कह रहा है कि नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू, कि कोई अन्य लड़की इतनी खूबसूरत नहीं है क्लास में जितना कि रेनू, मतलब बात तो वही हुई ना कि रेनू क्लास में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो यह बन गया बच्चों, और आपको पता है कि जैसे ब्यूटीफुल हो गया, वंडरफुल हो गया, तो ठीक है ना, ऐसा जब आता है तो यहां पर हम मोस्ट लगाते हैं, ठीक आपको पता है कि सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं और कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाते हैं। तो ये हो गया बच्चों। चलिए अब यहां से अगला कह रहा है कि कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, कि कश्मीर उतना गर्म नहीं है जितना कि भोपाल। तो यहां पर कंपैरेटिव में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है जैसे लिखेंगे बच्चों कि भोपाल इज हॉटर, इसमें आर या ई आर लगता है कंपैरेटिव डिग्री में, और यस या ई एस टी लगता है बच्चों इसमें कम सुपरलेटिव में, आपको पता है ना, ठीक है ना। तो कह रहा है कि भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर, कि भाई साहब भोपाल जो है कश्मीर की अपेक्षा अधिक गर्म है। बात तो वही आ गई ना बच्चों, इसमें कह रहा है कि कश्मीर उतना गर्म नहीं है जितना कि भोपाल, तो नीचे वाले का भी अर्थ वही हुआ कि जो भोपाल है वो कश्मीर की अपेक्षा क्या है, अधिक गर्म है। तो इस तरह से बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन वाले आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। आई होप कि आपको ये सारी चीजें इजीली समझ में आ गई होंगी। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों आपके जो सेंटेक्स में क्वेश्चन क्या होते हैं। देखिए सेंटेक्स में क्या होता है,
करेक्शन ऑफ सेंटेंस, इसमें सेंटेंस को बबुआ क्या करना होता है, करेक्ट करना होता है, यानी इसमें करेक्शन करना होता है। इस वाक्य में कुछ त्रुटियां होती हैं, जैसे हिंदी में भी होता है ना, उसी में आपको इसको ठीक करना होगा। एक ही करना है बच्चों, बहुत ज्यादा नहीं करना होता है, एक करना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कि फिजिक्स क्या है, क्या है मतलब एक रुचिकर या रुचिपूर्ण विषय है, कि भाई क्या है इसमें बच्चों की रुचि, वैसे आई थिंक रुचि नहीं होते है ना, बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं ये तो भाई दिमाग खराब कर देता है, तो इसमें क्या है आपको बताना है बच्चों, इसमें गलती कहां है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसमें करेक्शन क्या करना है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो फिजिक्स हो, फिजिक्स है बच्चों, सिविक्स है, ठीक, पॉलिटिक्स है या फिर मैथमेटिक्स है, सब में यस तो लगा होता है, लेकिन ये कोई भी आपके क्या है, ये अगर हम बात करें बच्चों, ये सभी के सभी आपके बहुवचन वाले नहीं होते हैं, ठीक है ना, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, अब इसको आप ये मत समझ लेना कि ये बहुवचन हो जाएगा, तो ऐसी अवस्था में यहां पर आपको हमेशा हमेशा क्या करना है भाई, यहां पर इज या वाज इस फॉर्म में रखना है, आर या फिर वेयर वगैरह ऐसा नहीं किया जाता। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। समझ में आया ना बच्चों, क्या करना है, इस तरह से करना होता है। तो यहां पर इसको ध्यान देना, चाहे फिजिक्स आए, यहां पर सिविक्स आ जाए, पॉलिटिक्स आ जाए, मैथमेटिक्स आ जाए, तो हमेशा यहां पर आर दिखे, वेयर दिखे, इसका ध्यान रखना बच्चों, हमेशा यहां इज वगैरह या वाज वगैरह ऐसा होगा, ठीक है ना। अगला है कि ही इज एन इंडियन बाई बर्थ, वह जन्म से ही क्या है, भारतीय है, यानी इंडियन है। इसमें गलती कहां है, देखिए आप यहां पर भले ए ई आई ओ, जैसे यूरोपियन आ गया, इंडियन आ गया, तो इसको देख करके यहां पर एन वगैरह नहीं लगा देना है कि भाई ए ई आई ओ यू जो भी आपके स्वर होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, उनके आगे हम एन का इस्तेमाल करते हैं, नो बबुआ। ये क्या है, प्लेस मतलब एक कंट्री का जब नाम हो जाए तो ऐसी अवस्था में हम यहां पर एन नहीं लगाएंगे। तो ही इज इंडियन बाई बर्थ, की वह जन्म से ही क्या है, भारतीय है, यानी इंडियन है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला है, कह रहा है कि गॉड सेव्स मी, कि ईश्वर मेरी रक्षा करता है। भाई ईश्वर मेरी रक्षा, यानी मेरी पर्सनली ईश्वर हमारी थोड़ी ना रक्षा करते हैं, मेरी नहीं करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, यानी ईश्वर हमें बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, तो मी नहीं होगा बच्चों, हो जाएगा गॉड सेव्स अस हो जाएगा। समझ में आया क्या करना है, कि गॉड सेव्स अस। अगला है, कह रहा है कि नाइदर ऑफ दोज चिल्ड्रेन हैव टेकन योर पेन, कि नाइदर माने किसी ने भी नहीं, ऑफ दो चिल्ड्रेन माने उन बच्चों में से किसी ने भी तुम्हारी कलम नहीं ली है। तो अब इसमें देखिए, ऐसे देखेंगे तो भाई गलती कहीं नहीं दिख रही, गलती है कहां है बच्चों, ये देखिए हैव नहीं होगा बच्चों, वो इसलिए क्योंकि चिल्ड्रन इसके अकॉर्डिंग ये चीज यहां पर हम क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इसके अकॉर्डिंग, नाइदर ऑफ देम, जैसे कहा वन ऑफ देम कहे या नाइदर, मतलब उनमें से किसी एक ने भी नहीं, एक का मतलब इकलौता, यहां पर इसके अकॉर्डिंग यहां पर हमेशा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यहां पर हैव नहीं होगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों नाइदर ऑफ दोज चिल्ड्रेन हैज टेकन योर, यहां पर योर होगा, योर पेन, ठीक है ना। इस बात का ध्यान देना बच्चों, यहां पर वन ऑफ देम होता है या नाइदर ऑफ देम होता है या नाइदर ऑफ दोस्त कुछ भी है, यहां पर हमेशा क्या करेंगे, हम हैज वगैरह का इस्तेमाल करेंगे या इसी की अकॉर्डिंग जो भी वर्ब होगा, इज वगैरह, वाज वगैरह, बाकी यहां पर ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, इतना ध्यान देना। अगला है कि आई प्रिफर मिल्क देन टी, कि मुझे क्या है,
कि भाई कह रहा है कि आई प्रीफर, मुझे पसंद है मिल्क माने दूध, देन टी माने चाय की अपेक्षा, मुझे चाय की अपेक्षा दूध पसंद है। तो ऐसी अवस्था में को कई बार बताया बच्चों, और इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा, इसलिए हमने इसको रख लिया एक बार फिर से कि आप इसको ध्यान रखें। देन कभी नहीं लगेगा बच्चों, जब भी प्रीफर वगैरह आए तो हो जाएगा आई प्रीफर, आई प्रीफर, आई प्रीफर मिल्क, मिल्क देन के स्थान पे टू हो जाएगा टू टी, ठीक है ना। तो इस मतलब ये सारी चीजें इस तरह से बच्चों आपके क्या है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इरर रहेंगे और उनको आपको सुधारना होगा, उनका करेक्शन करना होगा, ठीक है ना। तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, और हाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं, आने वाले जो पेपर हैं, बढ़िया तरीके से हम आपकी तैयारी करवा सकें। तो मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।